एक ऐसी लकड़ी जो पानी की धारा के विपरीत चलती है और जिसे मिल जाए उसे शक्तिशाली भी बना देती है। चितावर की लकड़ी जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी इसका प्राप्त होना मुश्किल है। तंत्र शास्त्र की यह अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इस लकड़ी की यह विशेषता है कि यह लोहे के मोटे मोटे दरवाजे को भी आसानी से काट देती है। वेद शास्त्रों में निहित जानकारी के अनुसार यह भूतों का पेड़ है। इस वृक्ष पर भयंकर प्रेतात्माओं का कब्जा होता है। प्रश्न यह है कि चितावर का वृक्ष कहाँ है और किसने देखा है? क्या यह लुप्त हो चुका है अथवा चितावर का वृक्ष कोरी कल्पना है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मात्र कल्पना नहीं, इस वृक्ष या झाड़ी या पौधे से कौवा अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए चितावर की लकड़ी ढूंढने के लिए कौवे का ही सहारा लेना पड़ता है। चितावर की लकड़ी प्राप्त करने के लिए कौवे के ऐसे घोंसले को ढूंढना होता है जिसमें उसके बच्चे तो हों किंतु वे उड़ ना सकते हों। उन बच्चों के पैरों को लोहे के मोटे तार से बांधकर पेड़ से बांध दिया जाता है जिसे कौवा काट नहीं सके। यह कार्य तब किया जाता है जब नर मादा कौवे घोंसले में ना हो। अपने बच्चों को घोंसले में बंधा देखकर कौवे चितावर की लकड़ी की तलाश में उड़ जाते हैं और तभी लौटते हैं जब उन्हें यह लकड़ी मिल जाती है। उससे यह अपने बच्चों के बंधन काटते हैं और अन्यत्र उड़ जाते हैं। यह महाचमत्कारी लकड़ी वहीं पड़ी रह जाती है। पूरे घोंसले को उतार कर बहते पानी में एक एक तिनका डालकर देखने पर चितावर की लकड़ी धारा के विपरीत दिशा की ओर बढ़ती दिखेगी। इस चितावर की लकड़ी को जिस किसी शत्रु के घर में रख दिया जाए या गाड़ दिया जाए वह परिवार विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। कुछ विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित कर इस चितावर की लकड़ी का प्रयोग करने पर इससे इच्छानुसार परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे शत्रु को घोर कष्ट देना या शत्रु को परास्त कर देना। नेक्स्ट 9 न्यूज से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।